हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 मराठी धड़ा नंबर 13 मोठी आई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोठी आई, आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई। दोस्तों कहता है कि आपली आई आपल्यावर किती माया करते, अपनी जो माँ है हम अपने पर कितनी माया करती, कितनी प्यार करती है। खाऊ पिऊ पण घालते, खाऊ पिऊ मतलब खाने पीने के लिए भी देती है। पोटाशी घेते, ठीक है, अपने गोदी में उठाती है। गोष्टी सांगते, कहानी भी सुनाती है। कितनी छान असते आपली आई, कितनी अच्छी अपनी होती है अपनी माँ, ठीक है। या आई हुन एक मोठी आई आहे, इस अपनी माँ से भी एक और एक बड़ी माँ है। ते देखिल कितनी छान है, वो भी बहुत अच्छी है। तिने तुम्हाला आम्हाला लागणारे प्रत्येक गोष्ट तैयार के लिए है। उस माँ ने तुम्हें और हमें लगने वाली हर वो चीज़ तैयार की है जो हमें जीवन में इस्तेमाल होता है। कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे, किसी ना किसी स्वरूप में हमको दिया है। हे जेवणाचे ताट पहा, ये खाने की थाली देखो, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। इसमें का हर एक थाली के अंदर हर वह पदार्थ जो इसमें रखा है वो अपने इस मोठी आई से ही मिला है। तुम्ही राहता ते घर, तुम जिसमें रहते हो वो घर, त्याला लागणारे लाकूड, उसको लगने वाली लकड़ी, दगड़ सुद्धा त्या आई ने दिले है। पत्थर है ना, वो भी इस मोठी आई ने दिया है। कौन बरे अशी ही मोठी आई, कौन है ये मोठी आई। तिचे नाव भूमि जमीन, उसका नाम है भूमि जमीन। जमीन काय आहे, जमीन में क्या है, माती। हिच काती आई, यही है क्या वो आई। तुम्ही म्हणाल खरेच ते, तुम जो कह रहे हो सही है, मातीच आहे जमिनीत, पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका, मातीला तुम्ही कमी समजू नका, कारण माती हा म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ जो मोठी आई है वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, ठीक है, इस मिट्टी ने ही हमें जिंदा रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है खेती वगैरह सारा जो कुछ होता है सब मिट्टी में ही होता है। जेवणाचा ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आई ने दिला, खाने की जो प्लेट होती है उसके अंदर हर एक पदार्थ इस मोठी आई ने दिया है। मंजेच तो जमीनी तू निर्माण दादा, मतलब वह जमीन से ही निकला है। गवाची पोळी, गहूं का रोटी, जोंदळ्याची भाकरी, तांदळांचा भात, ठीक है, चावल, गहूं, तांदूळ व जोंदळ कोठे तैयार होता, ये सब कहाँ तैयार होते, गहूं तांदूळ व जोंदळ कहाँ तैयार होते, शेतात ना, खेत में ही होता है ना। पाटी पेन्सिलीचे मऊ दगड ही जमिनीत सापडतात, जो पाटी होती है जिसमें हम लिखते हैं पढ़ते हैं, और पेंसिल ही उसकी जो दगड़ होती है जो नोक होता है वो कहाँ होता है, जमीन में ही मिलता है, ठीक है। चहाची साखर घ्या, जो चाय हम पीते हैं उसमें लगने वाला शक्कर, ती ऊसा पासून करता, वो किसे मिलता है, ऊसा पासून, ऊसा मतलब गन्ने के खेत से, ठीक है। पर ऊस उगोतो कुठे, लेकिन ऊस गन्ना है उगता कहाँ है, जमीनीत, जमीन में ही होता है ना। रॉकेल कुठे सापड़े, रॉकेल जो हम लोग घासलेट यूज करते हैं वो कहाँ मिला, जमीन नितला खाणित, जमीन के खदान में एकदम गहराई में मिला, ठीक है। केळी कवठे, पेरू आंबे नारळ द्राक्षे फणस इत्यादि तुम्हाला आवणारी फळे, जितना मैंने फलों का नाम बताया ये सब फल कहाँ मिलते हैं, हमें जमीन से ही मिले, ठीक है, जमीनी मुळे मिलतात, जमीन से ही मिले हैं। जमीन नसती तर यातला एक ही जिन्नस मिलाला नसता,
जमीन अगर नहीं होती, मिट्टी अगर नहीं होती, तो हमें इसमें से कोई भी वस्तु मिलता नहीं। सारा भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। ये सारा जो भी है पूरे संसार में, सभी भाजियाँ, फल फूल, औषधियाँ, सब कुछ किसे? जमीन से ही मिला। ठीक है, आहे ना आपली मोठी आई, तो है ना अपनी बड़ी माँ। तुम्ही वापरता ते कपड़े पहा, जो तुम इस्तेमाल करते कपड़े उसको देखो, ते सूताचे आणि रेशमाचे आहेत। वो किसके? सूत और रेशम के हैं। सूत कशाचे असते? सूत कैसे निकलता है? कापसाचे। ठीक है, आ कापूस कुठून मिळतो? कापूस कपाशीच्या झाडापासून। ठीक है, रेशीम कुठून मिळते? रेशमाचे कीड़े असतात, है ना। रेशम कैसे मिलता है? रेशम का धागा। तो रेशम का कीड़ा होता है सतूत के पेड़ के जो ये होते हैं पत्ते, वो खा करके वो अपना धागा बनाते हैं रेशम। ठीक है, तूतीच्या झाडावर ते जगतात, है ना। सतूत, तूती, तूत ना, तूत उस के पेड़ के पत्तों पर वो जिंदा रहते हैं। ही कापसाची व तूतीची झाड़े जमीनत वाढतात। ये जो कापूस है और तूती की जो झाड़ है वो कहाँ पे निकलते हैं? जमीन में। जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हैं, तुम्हाला यावरून कळून येईल। इस बात पे आपको समझ गया होगा कि सब कुछ कौन देता है? जमीन। सब कुछ कौन देता है? जमीन। जैसे कि चांदी, रुपये, पितळ, तांबे या सगळ्यांचा खाणी मोठ्या आईचा पोटात सापडतात। ये जितने भंडार हैं, ये सभी के सभी भंडार मोठी आई के पेट में से निकलते हैं। ठीक है, पोटात मतलब गहराई से हम जाके खुदाई करते हैं तब जाके निकालते हैं। पितळ तांबे कथील नसते, जो पितळ तांबा है वो कथील नसते, तर आपण भांडी कशाची केली असती? अगर पितळ तांबा नहीं होता तो आज हम बर्तन जो बनाते हैं, यूज़ करते हैं, वो किसके बने होते हैं? ठीक है, सोने रुपए नसते तर दागिने कसे मिलाले असते। सोना वगैरह नहीं होता तो हमें इतने खूबसूरत खूबसूरत गहने कैसे मिलते हैं? ठीक है, एवढंच नाही, अजून एका, इतना ही नहीं और सुनो, या मोठ्या आईचा पोटात लोखंड व दगडी कोळसा याचा ही प्रचंड खाणी आहेत। कहते कि कवी कि रुको, इस बड़ी माँ के गर्भाशय में, ठीक है, डीप में लोखंड व दगड़ी याचा पण भंडार आहे। लोखंड व कोळसा या मुले तर प्रत्येक गिरणी अन प्रत्येक कारखाना चालतो। लोखंड वगैरह जो चीज़ें हैं इससे गिरनी चलती है कि नहीं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है। कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्चा व पलंग मिलाले नसते, है ना। अगर कारखाने नहीं होते तो इस तरह के इतने अच्छे अच्छे, ठीक है, जो हमको कुर्सी मिलती, कुर्सी लोहे की कुर्सी, ये नहीं मिलती। पलंग मिलाले नसते, पलंग नहीं मिलता हमको। सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंडड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आग गाड़िया, विमाने इत्यादि सगले सगले बनलेस नौते। ठीक है, इतना जो चीज़ें बनी है, सुई हो गया, टाचनी हो गया, चाकू हो गया और इत्यादि सामान जो है, गाड़ी वगैरह, ये सब हमको देखने नहीं मिलता। ठीक है, लोखंड आणि कोळसा नसा तर सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नवे काय? तो बताओ, ये दो चीज़ देने वाली जो अपनी माँ है वो बड़ी माँ नहीं हुई क्या? आता घराबद्दल पहाल तरी तेज उत्तर द्यावे लागेल। अब घर को देखेंगे तो भी तुम्हें यही उत्तर मिलेगा। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? तुम्हारा घर किसे बना है? दगड़, माती, विटा, चूना अन लाकूडचे आहे, है ना। घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत। दाराचा कड्या, तुळ्या व बिजाग्र्या लोखंड ही आहेत। ठीक आहे, यातील दड माती जमिनीतूनच आणली गेली, और इसको बनाने के लिए जो मिट्टी है वो जमीन से ही लिया गया है। लाल मातीचा, लाल माती कुठून आली? अभी जो लाल मिट्टी है वो कहाँ से आई? जमीन से, जमीनीतून। ठीक है, चूना कुठे मिळतो?
चूना जो हम पुरते हैं, कलर लगाते हैं, वो कहाँ मिलता है? जमीनी चूण खनिचे खड़क अस्तात, जमीन में ही चूने की खदान होती है, ठीक है। चूना या खड़काम पासून तैयार करतात, लाकूड कुठून आणले? तो लकड़ी कहाँ से लाएंगे? मोठमोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाड़े तोड़ून हे आणले, है ना, बड़े बड़े जंगलों से ये सारे क्या किए, झाड़े वगैरह सब तोड़ करके लेके आए, ठीक है। दाराला लोखंडाचा बिजाग्र्या कड़ा कुळपे खिळे वसलवले आहेत, हे लोखंड ही भूमातीच्या पोटातच सापडले। ये जो लोहा है, लोखंड, ये भी कहाँ मिला? भूमातीचा पोटातच सापडले, गर्भाशय में ही, गर्भ में ही मिला, नीचे डीप में भी मिला, ठीक है। तुम्ही कोणती गोष्ट या जमी घ्या, जमिनी मुळे ती मिळालेली आहे, ते तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल, ये तुम्हारे लक्ष में मतलब ध्यान में आ ही गया होगा। तुम्ही दूध दही तूप खाता, तुम दूध दही घी खाते हो, गाई मसी पासून हे आपण मिळवतो, जो गाई और भैंस होता है उसके द्वारा ही मिलता है, ठीक है। तो ये गवत या कड़बा या वर है कौन कौन तना देते, और ये कौन देता है? तो आपली मोठी आई, ठीक है। जगत जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आई पासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे, वाढलेली आहे, ठीक है। ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते, ठीक है, घरदार देते, धन धान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा साखर, ठीक है, चहा साखर पाटी पेन्सिल देते, सगळे सगळे देते, त्या त्या मोठ्या आईचे केवळ केवळे उपकार मानले पाहिजेत, ठीक है। अन मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी, ठीक है, त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, हम उस जमीन की मिट्टी खा, मिट्टी के जो फसल है, मिट्टी पे उगने वाले फसल है, उसको खाकर ही बड़े हुए हैं, ठीक है। सहाणे झालो, साने हुए, माणसाच्या प्रत्येक गोष्टी दिली ती त्या भूमी नेच, त्या माय भूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेम भाव बाळगायला नको का? तो क्या ये जो इतना हमें सब देती है, ठीक है, तो इसके लिए ये मातृ जो भूमि है, माय भूमि है, इसके लिए हमें मन में अपने प्रेम भाव नहीं लाना चाहिए क्या? अपनी मोटी आई मंजे अपनी माय भूमि, ठीक है, तो अपनी बड़ी माँ कौन है यहाँ पे? माय भूमि जो जमीन है ये है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी दिए, वो भी हम देख लेते हैं। जिन्नस वस्तु, तुळ्या लोखंडाचा जाड सळ्या, कड़बा कड़से कापून घेऊन उरलेला गुरांचा खाणग्याचा भाग, है ना, जो गाय भैंस को डालते हैं वो है। मातृभूमि मीन्स जन्मभूमि, प्रेम भाव बालगणे प्रेम असणे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।